आरएसएस के गुंडे जाकर के गांव गली के अंदर जय श्री राम की बात कर रहे हैं। अरे जय श्री राम से थोड़ा ही काम चलेगा, हमारा काम चलेगा रोटी से, रोजगार से, बावरी मस्जिद से लेके गोधरा कांड से लेकर के आज तक इस देश के अंदर दंगा फैलाने का अगर कोई काम किया है तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किया है। ओबीसी जागरूक हो चुका है और इनके हलक में हाथ देके जुबान निकालेगा और पिछवाड़े में हाथ देके ना इनकी आंतड़ी निकालेगा। इनके 33 करोड़ देव देवताओं में अगर जान है वो प्रण प्रस्था में करते हैं तो भैया हमारी हत्या करवा दो। हम चैलेंज के साथ कहते हैं ये ब्राह्मणों की पुजारियों की दुकानें हैं और सीधा चुनाव आयोग से कह रहे 50 ईवीएम मशीन हमारे को दो, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अमित शाह की पुलिस से डरा हुआ है, इसलिए वो सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता, वो आगे फ्रंट पे पुलिस को लेके आ रहा है। तो कई सालों से कर रहे हो ना आप लोग ये तो। देखिए हर चीज का कोई समय होता है और अब अति हो चुकी है। जब अति होती है तो लोग इसी तरीके से लोग रोडों पे आएंगे और आने वाले टाइम के अंदर ईवीएम मशीन को लेकर के ना इस देश के अंदर उससे चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा। आपको क्यों लगता है मैनेज हो जाती है ईवीएम? मैनेज की जाती है ना, जब 3-4 राज्यों के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, किसी राज्य के अंदर जो इनकी गोदी मीडिया है वो ये कह रही थी कि हर राज्य में सरकार बदलेगी, लेकिन उल्टा हुआ। तो इससे साफ संकेत है कि कहीं 2,000-5,000 वोटों की जहाँ कमी समय रहती है वहीं पर ये अब अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं और उसी का खामियाजा 10 साल से भारत देश की जनता भुगत रही है। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है, गुमराह ना हो जनता, कोई गड़बड़ नहीं होती ईवीएम। चुनाव आयोग आए ना सामने आ करके ये कहे कि ये ईवीएम मशीन रही 50 और आप हैंग करके दिखाएं, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं आ रहा आगे? ये तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, इस देश के भोले भाले मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, छात्रों को, जब तक वो इसका बीड़ा नहीं लेते। इसीलिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार फल और फूल रही है, जब तक ईवीएम मशीन बैन नहीं होगी इस देश के अंदर तानाशाही इसी तरीके से तानाशाही रहेगी। जब मर्जी कोई रोड पे आ जाए उसको बंद करो, उसको डराओ, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करो। और जिंदा जागता उदाहरण है जो आज का युवा है, यूथ है, आजकल तो सोशल मीडिया के साथियों को भी नहीं बख्शा, और जेएनयू के छात्र जो अमर खालिद हैं आज 3 साल से वो भी जेल में हैं। ये सारे का सारा यही दर्शाता है कि इस देश के अंदर तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ आम जनता में आक्रोश है। तानाशाही बीजेपी सरकार कर रही है, आरएसएस के गुंडे जाकर के गांव गली के अंदर जय श्री राम की बात कर रहे हैं। अरे जय श्री राम से थोड़ा ही काम चलेगा, हमारा काम चलेगा रोटी से, रोजगार से, और इस देश में बराबरी की राजनीति की हिस्सेदारी से। अरे धर्म भी जरूरी है आदमी के जीवन के। धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, अगर हमने इस देश में धर्म की जरूरत होगी तो हम खूब मान लेंगे, लेकिन वो जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो 22 जनवरी को जो एक प्रोपगंडा लेकर के जा रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं अगर इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है तो अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, राम मंदिर पर जाने की जरूरत नहीं है, जंतर मंतर पे आए और जंतर मंतर पे आकर के तानाशाही सरकार को बताएं कि जो ढकोसलेबाजी, जो आडंबरबाजी, जो ये नाटक तरह तरह के आप कर रहे हो ये देश के अंदर नहीं चलेंगे। बावरी मस्जिद से लेके गोधरा कांड से लेकर के आज तक इस देश के अंदर दंगा फैलाने का अगर कोई काम किया है तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किया है और आज ये स्पष्ट हो चुका है। ये कौन सी कला थी इनके अंदर, ये झूठे जुमले। हमने राम मंदिर से भी दिक्कत है, अगर राम मंदिर के अंदर ओबीसी के अति पिछड़ों को अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है तो वो कहे ना वहां के मठाधीश बनाए, इस देश के अंदर 5 मठ और है, उन 5ों मठों के अंदर जो मुख्य धारा से जो लोग जुड़े नहीं है उनको बिठाए वहाँ पे, पिछला कैसा मठाधीश बन जाएगा? क्यों नहीं बन जाएगा? तो दिमाग नहीं है उनके अंदर, घास खाते हैं वो, मट्टी खाते हैं वो। नरेंद्र मोदी है जो काजू किशमिश बादाम खा रहा है बीज। अच्छा हम सुधर हो गए, वो क्या है, वो अपने आप को 2002 में खुद कह रहा मैं सुधर हूँ, वो खुद कह रहा कि मैं पिछड़ा हूँ। तो भाई ये बात तो इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, ये सारे का सारा प्रोपगंडा जो फैलाया है ये आरएसएस के लोगों ने, जब इस देश के अंदर रामायण और महाभारत चलाई गई थी उस दौर के अंदर लोगों को पता नहीं था, जब मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश में शुरू होने वाली थी उस टाइम इनको राम और
हनुमान किसी तरीके से घुमाया और वो ब्लॉकिंग आज तक इस देश के अंदर ओबीसी अति पिछड़े समाज को झेल रहा है। पिछले तो अब जागरूक हो गए ना, देखिए। हाँ, जागरूक हो गए बोल रहे हैं ना, ओबीसी जागरूक हो चुका है और इनके हलक में हाथ देके जुबान निकालेगा और पिछवाड़े में हाथ देके ना इनकी आंतड़ी निकालेगा। अगर ये गलतफहमी का शिकार है तो भूल जाए, हम लोग कोई नहीं लेना। हमने कोई उमा भारती ने कहा ना, उमा भारती ने कह दिया कि हम बीजेपी का साथ नहीं देवांगे। इनविटेशन भी नहीं मिला है। अरे नहीं मिला, नहीं चाहिए ना, हमने हमने जाना ही नहीं है। जब हमने राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, जो गुलाम है, जो अपाहिज और अपंग है वो राम मंदिर जाएंगे। जो इस देश का हम गाली नहीं दे रहे, जो गुलाम, जो बेदिमाग के जो लोग हैं उनका काम है, जाइए वहां पे। अरे क्या मिलेगा कोई बता तो दे, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, क्या पीएचडी हो रही है वहां पे, ये सारे का सारा जो आस्था है, आस्था। कोई आस्था नहीं, आस्था हमारी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत आस्था पे आदमी घर पूजा करे, हवन करे, जो मर्जी करे। दूसरों को कैसे रोकोगे आप? दूसरे अपने आप रुक जाएंगे। जब बिट्टू बजरंगी बनेगा, मोनू मानेसर बनेगा, तो इस देश के अंदर अपने आप पता चल जाएगा ओबीसी के लोगों। और सुरेश बघेल को सारे सरस करके देख लेना, जो पहले बावरी मस्जिद के ऊपर गया था बारूद ले करके, आज वो 8,000 रुपए में उसी गाय माता का गोबर उठा रहा है। तो इस देश के अंधभक्तों को पूछना चाहते हैं कि आपको राम मंदिर चाहिए या मंडल, अब आपने देख लेना। अगर कमंडल की राजनीति में फंसोगे तो ये ईवीएम भी है आपके सामने और आपको तरह तरह तरीके से लूटा जा रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अगर पिछड़ा वर्ग अगर नहीं सुधरा तो इस देश के अंदर तानाशाही की ओर ले जाने वाले कलंकित वही होंगे, क्योंकि आज तक बीजेपी ने अगर किसी को अपनी तरफ खींचा है तो वो एक ही है, ओबीसी समाज है, और ओबीसी समाज को ही समझना पड़ेगा। मोदी जी तो पिछड़े हैं, बहुत तो जा ही रहे ना। देखिए हमने बताया ना, कोई पिछड़ा नहीं ओबीसी। इस देश के अंदर 2002 के दंगे कराए और दंगे कराने के बाद में लाखों लोगों की हत्याएं करवाई और तब जाकर उसने कहा था कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। अरे तू कहाँ से पिछड़ा हो गया? पिछड़ों के बच्चों का बजट घटा जाता है तो उफ नहीं करता। तो जब आप नहीं मानते हैं वो प्रधानमंत्री ओबीसी है? अब नहीं मानते हम तो, इस देश के 70% लोग नहीं मानते, 30% लोग जो अपंग हैं वो इसको प्रधानमंत्री मानते हैं, हम तो नहीं मानते भाई। इनको दिवाली मनाओगे? हम क्यों मनाएंगे दिवाली? हम इस देश के अंदर बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे, बाबा साहब का मरण दिन मनाएंगे, बाबा साहब ज्योतिबा फुले का मनाएंगे, माता सावित्रीबाई फुले को याद करेंगे, फातिमा शेख को याद करेंगे, इस देश के अंदर संत गाड़गे जी को याद करेंगे, तमाम उन क्रांतिकारियों को याद करेंगे। कर रहे हैं समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। हम कोई नफरत नहीं पैदा कर रहे, नफरत पैदा कर रहे हैं चिंटू, जो बीजेपी का आरएसएस का जो राग अलापते फिरते हैं, जो अपने आप में कह रहे हैं देश के अंदर रामराज आ गया है। अरे वो रामराज कहाँ है भाई? कोई भी बताइए रामराज। अगर बेटियों के साथ में जो मणिपुर जैसी घटना होती हो, जो इस देश के अंदर दिल्ली में कैंट जैसी बेटियों के साथ जुल्म होता हो, और जब नौकरियों की बात आए तो क्या कहते हैं कि आपको 2 साल की नौकरी नहीं चाहिए। भाई हमने कोई जरूरत नहीं है। हमारे 4-5 पीढ़ियों ने कभी भी इनके 33 करोड़ देव देवताओं की छुट्टी कर रखी है, और इतने साथी आप खड़े हैं, इनके 33 करोड़ देव देवताओं में अगर जान है वो प्रण प्रस्था में करते हैं तो भैया हमारी हत्या करवा दो। हम चैलेंज के साथ कहते हैं ये ब्राह्मणों की पुजारियों की दुकानें हैं, वो दुकानें हैं, हम कोई जहर नहीं फैला रहे। हम तो ईवीएम की बात करने आए हैं। ईवीएम इस देश के अंदर बैन होनी चाहिए। अगर ईवीएम बैन नहीं होगी तो इस देश के अंदर आम जनता रोडों पे आएगी। और आज जो राम मंदिर की बात कह रहे हैं वो भागे भागे नहीं पकड़े जाएंगे देश के अंदर, देश छोड़ के भागना पड़ेगा उन लोगों को। ईवीएम याद आ जाती है आप लोगों को? नहीं, हम तो बहुत लंबे समय से ईवीएम पे विरोध कर रहे हैं। हम तो राजनीतिक पार्टियों को भी यही कह रहे हैं। जनता ने नकार दिया आपको? जनता ने कोई नहीं नकारा है, जनता तरस्त है। 70% इस देश की आबादी जो है वो यही कह रही है कि ईवीएम चोर है, बीजेपी चोर है, आरएसएस चोर है, और इनको गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम लव जात से नारा कोई काम नहीं है, एक भी काम इस देश का।
जो बीजेपी आरएसएस का है वो गिनवा दो। हमारे कहने से हटेगी ईवीएम देश के अंदर, ये ध्यान रखना। जो तालिबानी अपने आप को ये कह रहे ईवीएम नहीं हटेगी, उनके हलक में जुबान खींचने का काम करेंगे। और देश के अंदर जब तमाम देशों में ईवीएम ने तालिबानी बीजेपी आरएसएस करनी सेना बजरंग सेना ये तमाम जो हिंदू संगठन अपने आप को कह रहे हैं ये चोर लुटेरे बेईमान मक्कार है।